आज हम क्लास लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम की आइडेंटिफिकेशन करें, पहचान करें, आल्सो गिव रीजन फॉर ईच वन। हर एक के लिए रीजन भी पेश करें कि कैपिटल है तो क्यों है या रेवेन्यू है तो क्यों है, इस तरह आप रीजन भी पेश करें। तो देखें कहता है एनुअल डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट पर एनुअल डिप्रिसिएशन आता है तो ये किया है। तो देखें ये इसके सोलूशन है, यानी इस तरह हम टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। एक साइड में यानी ये सीरियल नंबर है, फिर एक कॉलम बनाएंगे हेड्स के लिए कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, और यानी ये साइड हम रीजन के लिए इस तरह प्रोवाइड करते हैं। तो देखें ये जो एनुअल जो डिप्रिसिएशन है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एनुअल डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू है बिकॉज क्योंकि डिप्रिसिएशन इज चार्ज ईच ईयर। ये हम हर साल चार्ज करते हैं, ये रूटीन एक्सपेंसिव है। ये कारोबार यानी जो एसेट हम एक साल इस्तेमाल करते हैं तो जो हम बेनिफिट इससे हासिल करते हैं तो इसके वैल्यू में कमी आती है, तो इस कमी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। यानी मतलब यह है कि हम एक साल बेनिफिट इससे हासिल करते हैं तो वह हर जो कारोबार को एक साल के लिए बेनिफिट देते हैं वो किया है, वो रेवेन्यू है। तो डिप्रिसिएशन ऑन एनुअल डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये किया है, यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस तरह इसके बाद है परचेज गुड्स ऑन गैप। हमने यानी हमने सामान मर्चेंडाइज गुड्स परचेज कर लिया तो ये क्या है? ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज गुड्स इज ए रूटीन एक्टिविटी। ये रूटीन एक्टिविटी है, ये हम बार बार करते हैं, ये हम परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं। इस तरह एन एक्सपेंस रूटीन एक्टिविटी एन एक्सपेंस एंड इट इज डन नॉर्मली many times in a year। ये हम साल में बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी या तो डेली बेसिस पे करते हैं या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, मतलब यह कि ये साल में बहुत ज़्यादा हम करते हैं तो ये अखराजात। तो हैंस इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस तरह इसके बाद है थर्ड वन कहता है यानी ये वेजिस एंड कैरिज पेड एंड परचेजिस। जो हमने परचेजिस कर ली है इस पे हमने वेजेस एंड कैरिज, मतलब यह है कि हमने किराया अदा कर लिया, हमने लेबर को कुछ पेमेंट कर लिया यानी बिजनेस में आने के लिए, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी परचेजिस पर। तो परचेजिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब परचेजिस पे जो भी अखराजात किए जाते हैं वो भी यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाएंगे और ये परचेजिस के कॉस्ट में हम जमा करेंगे। तो देखें कहता है थ्री, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वेजेस एंड कैरिज फेड एंड परचेजेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट इज एडिड विद परचेजेस कॉस्ट। ये हम परचेजेस के कॉस्ट में जमा करते हैं, परचेजेस ऑलरेडी किया है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस तरह तो देखें फिर कहता है फोर, ये फोर है ये वेजेस फेड टू द प्रोडक्शन वर्कर। वेजेस फेड टू द प्रोडक्शन वर्कर, जो प्रोडक्शन वर्कर है जो सामान बनाते हैं, वो लेबर जो फैक्ट्री में काम करते हैं यानी हाथों के जरिए या मशीनों के जरिए जो सामान बनाते हैं, तो हम इसको वीकली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। इस तरह तो ये चूंकि रूटीन एक्टिविटी है, ये हम हर यानी वीकली पेमेंट करते हैं, तो ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप देखें ये क्या है यानी वेजेस पे टू द प्रोडक्शन वर्कर। तो ये क्या है, यहाँ पर ये गलती हुई है यानी ये तीन दो मरतबा रिपीट हुआ है तो यहाँ पर हमने तीन रिकॉर्ड नहीं किया है। तो डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो वेजेस हम प्रोडक्शन वर्कर को अदा करते हैं, जो वेजेस हम प्रोडक्शन वर्कर को अदा करते हैं ये हम यानी वीकली बेसिस पे अदा करते हैं, तो ये तो हम बार बार करते हैं, ये तो रूटीन एक्सपेंसिस है, ये नॉर्मली हम अदा करते हैं, बार बार अदा करते हैं। तो ऐसे खर्चात जो साल में बार बार किए जाते हैं तो वो क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस तरह यहाँ पर यानी गलती हुई है, ये जो तीन है रिपीट हुआ है, ये जो ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। इस तरह फिर कहता है फोर, वेजेस पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ए न्यू फैक्ट्री।
हम नई फैक्ट्री बनाते हैं तो यानी लेबर के जरिए हम काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कमरे बनाते हैं, रूम बनाते हैं, हाल बनाते हैं, दीवारें हम बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। अब इस वक्त पे जो भी अखराजात होते हैं, सीमेंट है यानी जो ईंटें है, जो हम वेजिस पेमेंट करते हैं लेबर को, इंजीनियर को हम पेमेंट करते हैं, तो ये सारे हम जमा करते हैं और इससे यानी फैक्ट्री का कॉस्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर 5 लाख हम इंजीनियर को पेमेंट करते हैं फॉर मैप डिज़ाइनिंग, 10 लाख की हम सीमेंट परचेस करते हैं, 20 लाख हम वेजिस पेमेंट करते हैं लेबर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, इस तरह 5 लाख हम मेसन को, जो मेमार है, इसको पेमेंट करते हैं, इस तरह 30 लाख की हम ईंटे परचेस करते हैं, जो रेत हम परचेस करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो ये जो सारे जो एक्सपेंसिव है इससे हम फैक्ट्री बनाते हैं, और फैक्ट्री ये है फिक्स्ड एसेट है। तो मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो अखराजात किए जाते हैं ये फैक्ट्री के कॉस्ट में एड किए जाते हैं। तो ये भी इस तरह केस है कि जब हम वेजिस पेमेंट करते हैं लेबर वर्कर को कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, तो इससे फैक्ट्री बन जाता है और फैक्ट्री बन जाती है, और फैक्ट्री क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है, और तो जो भी हम एक्सपेंसेस अदा करते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कंसिडर किए जाएंगे। तो देखें यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम, कंस्ट्रक्शन टाइम के दौरान वेजिस पेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर, जब हम वेजिस पेमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर को, इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ट्रीट करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज एडेड विद द फैक्ट्री, यानी जो बिल्डिंग हम बनाते हैं, जो फैक्ट्री हम बनाते हैं, ये फैक्ट्री कॉस्ट में एड किया जाता है, तो इसलिए ये भी किया है, वेजिस पेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद है 5, तो 5 क्या कहते हैं, देखें मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड एंड पेड इंपोर्ट ड्यूटी, हमने मशीनरी परचेस कर ली बाहर मुल्क से, यानी इंपोर्ट हमने कर लिया, अब मशीनरी पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी अदा कर ली, ये भी टैक्स का एक किस्म है, टाइप है। अब जो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो भी मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, हम वेजेस अदा करते हैं, हम कैरिजेस अदा करते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी अदा करते हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये मशीनरी के कास्ट में ऐड किए जाते हैं, और मशीनरी क्या है, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट है, तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है एंड मशीनरी परचेज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखें ये कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी इंपोर्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड एडेड टू द मशीनरी कॉस्ट, और ये मशीनरी के कॉस्ट में एड किया जाता है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है 6, मंथली सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, मंथली सैलरी हम अदा करते हैं, तो ये तो आसान है, यानी जो सैलरी हम इम्प्लॉइज़ को अदा करते हैं हर महीने के आखिर में अदा करते हैं, एक महीने का हम बेनिफिट वसूल करते हैं इम्प्लॉइज़ के जरिए काम करते हैं, तो हम इसको पेमेंट करते हैं, तो बेनिफिट एक महीने के लिए होता है, तो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज पेड ईच मंथ, ये तो आसान है। इसके बाद है सैलरी पेड टू द सेल्समैन, जो सेलमैन है, जो मार्केटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए हम सेल्स करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, तो इसको हम तनख्वाहें देते हैं, तो ये भी हम हर महीने के आखिर में देते हैं, तो ये क्या है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी पेड टू द सेल्समैन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज पेड ईच मंथ, ये हम हर महीने के आखिर में अदा करते हैं, इस तरह। ये इंपॉर्टेंट है 8 को देखें, यानी कहता है शिफ्टेड द बिजनेस, यानी हमने बिजनेस को शिफ्ट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया दूसरी जगह पर, हमने बिजनेस को यानी ट्रांसफर कर लिया फ्रॉम रूरल एरियाज, पहले जो हमारा जो बिजनेस था वो देहातों में था, यानी गांव में था, बैकवर्ड एरिया में था, टू अर्बन एरियाज, अब हमने सिटी में यानी अर्बन में हमने इसको ट्रांसफर कर लिया, एडवांस एरिया में हमने शिफ्ट कर ली, माइग्रेशन कर ली, एंड नाउ अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड, हमने बिजनेस को शिफ्ट कर लिया एडवांस एरिया में,
यानी रूरल एरिया से बैकवर्ड एरिया से अब जब हमने शिफ्ट कर लिया तो हमने एडिशनल अखराजात कर लिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने कर लिया, जो मशीनरी हमने शिफ्ट कर ली, ये जो सारे जो एसेट थे हमने यानी प्लांट एडवांस एरिया में लगा लिया। अब क्या है, कुछ और अखराजात आ गए, लेकिन इस अखराजात की वजह से, इन अखराजात की वजह से बिजनेस का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया। अब वो अखराजात जो कारोबार के अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है तो वो अखराजात किया है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन शिफ्टिंग द बिजनेस फ्रॉम बैकवर्ड एरिया टू एडवांस एरिया, एडवांस एरिया में हम शिफ्ट करते हैं किसके लिए, टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, तो ये क्या है, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह फिर कहता है के कन्वर्टेड दी मैनुअल प्रोडक्शन सिस्टम, हमने मैनुअल जो हाथों के जरिए हम प्रोडक्शन करते हैं, लेबर है हमारे पास, हम हाथों के जरिए प्रोडक्शन करते हैं, अब हमने ये खत्म कर लिया इनटू मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, हमने मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में तब्दील कर लिया, हाथों का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, हमने कुछ अखराजात कर लिए, मशीन के जरिए अब हम प्रोडक्शन करते हैं, एंड इनकर्ड चार्जेस, इसकी वजह से कुछ चार्जेस आ गए, अब जो मैनुअल सिस्टम था उसके जरिए जो हम प्रोडक्शन करते थे वो कम करते थे, अब मशीनों के जरिए हम ज़्यादा करते थे, यानी मशीनों के जरिए हम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया। तो अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी में जब इंक्रीज आता है तो ऐसे अखराजात क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाएंगे। तो देखें, 9, कन्वर्टिंग द मैनुअल प्रोडक्शन सिस्टम इनटू मशीन प्रोडक्शन, जब हम मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं, एंड इंक्रीजिंग सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, सम एक्स्ट्रा चार्जेस यानी वजूद में आते हैं, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज क्यों, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड अर्निंग कैपेसिटी, यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या जो अर्निंग कैपेसिटी है ये इससे यानी इंक्रीज बढ़ाया जाता है। तो ऐसे अखराजात जो अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो वो अखराजात क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाएंगे।